हेलो हेलो वंस वंस अगेन, अगेन, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ईच ईच एंड एंड एवरीवन। एवरीवन, वेलकम वेलकम यू यू ऑल ऑल ऑन ऑन अन अन एकेडमी एकेडमी यूट्यूब यूट्यूब चैनल। चैनल। माइसेल्फ माइसेल्फ किरण किरण सुरेश सुरेश कुलजे, कुलजे, आई आई हार्डली हार्डली वेलकम वेलकम यू यू ऑल 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 ट्वेल्थ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एंड एंड इलेवेंथ इलेवेंथ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, दोज दोज हु हु आर आर अपेयरिंग अपेयरिंग एंड एंड दोज दोज हु हु अपियर्ड अपियर्ड फॉर फॉर द द एमएसटीसीटी एमएसटीसीटी 2020 2020 एग्जाम। एग्जाम। जर्नी जर्नी नाई नाई दिली दिली त्यांच्या त्यांच्या साठी साठी बेस्ट बेस्ट ऑफ ऑफ लक, लक, एंड एंड दोज दोज हु हु आर आर गोइंग गोइंग टू टू गिव गिव एमएसटीसीटी एमएसटीसीटी एग्जाम एग्जाम एज एज वेल वेल एज एज अ अ बोर्ड बोर्ड एग्जाम एग्जाम इन इन द द नेक्स्ट नेक्स्ट एकेडमिक एकेडमिक ईयर, ईयर, दैट दैट इज इज 2021। 2021। ऑलरेडी ऑलरेडी एकेडमिक एकेडमिक ईयर ईयर हैज हैज गेट गेट स्टार्टेड, स्टार्टेड, तो तो 2021 2021 मध्ये मध्ये जे जे परीक्षा परीक्षा देणार देणार आहे आहे त्यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी पण पण बेस्ट बेस्ट ऑफ ऑफ लक। लक। तो तो वन, वन, बिफोर बिफोर गोइंग गोइंग टू टू स्टार्ट स्टार्ट विद विद दिस दिस टुडेज टुडेज लेक्चर, लेक्चर, आई आई इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किरण किरण सुरेश सुरेश कुलजे। कुलजे। आई आई कंप्लीटेड कंप्लीटेड एमएससी एमएससी बीएड बीएड फ्रॉम फ्रॉम द द पुणे पुणे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एंड एंड फ्रॉम फ्रॉम द द लास्ट लास्ट 13 13 ईयर्स। ईयर्स। आई आई एम एम इन इन दिस दिस फील्ड फील्ड ऑफ ऑफ एजुकेशन एजुकेशन वेयर वेयर आई आई एम एम टीचिंग टीचिंग बोथ बोथ द द पेपर्स पेपर्स ऑफ ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी, दैट दैट इज इज द द बॉटनी बॉटनी एंड एंड जूलॉजी। जूलॉजी। आज आज का का टॉपिक टॉपिक है है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टिप्स टिप्स एंड एंड ट्रिक्स ट्रिक्स और और टॉपिक्स टॉपिक्स फ्रॉम फ्रॉम द द सब्जेक्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी बायोलॉजी फॉर फॉर योर योर एमएसटीसीटी एमएसटीसीटी एग्जाम। एग्जाम। प्लस प्लस दिस दिस इज इज द द इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेक्चर फॉर फॉर दोज दोज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, दोज दोज हु हु आर आर करंटली करंटली इन इन ट्वेल्थ 12th स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एंड एंड दोज दोज हु हु आर आर गोइंग गोइंग टू टू गिव गिव देयर देयर एग्जाम एग्जाम इन इन 2021। 2021। त्यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी पण पण हे हे इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेक्चर आहे। आहे। वाय वाय दॅट दॅट थिंग थिंग आय आय विल विल टेल टेल यू यू नाउ। नाउ। तो तो देखो, देखो, जे जे विद्यार्थी विद्यार्थी सध्या सध्या बारावीला बारावीला आहेत आहेत आणि आणि अकरावीला अकरावीला आहेत आहेत आणि आणि पुढच्या पुढच्या वर्षी वर्षी आणि आणि त्याच्या त्याच्या पुढच्या पुढच्या वर्षी वर्षी म्हणजे म्हणजे 2021 2021 आणि आणि 22 22 मध्ये मध्ये बोर्डाची बोर्डाची परीक्षा परीक्षा नीट नीट आणि आणि सीईटी सीईटी देणार देणार आहे आहे त्यांच्यासाठी, त्यांच्यासाठी कम कम अँड अँड जॉईन। जॉईन। क्या क्या करना करना है? है? कम कम एंड एंड जॉइन जॉइन अनअकैडमी, अनअकैडमी, इंडियाज इंडियाज लार्जेस्ट लार्जेस्ट लर्निंग लर्निंग प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर फॉर द द प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ ऑफ योर योर एचएससी एचएससी बोर्ड बोर्ड एग्जाम एग्जाम एंड एंड एमएसटीसीटी एमएसटीसीटी प्लस 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 और और एक एक है है प्लस प्लस नीट नीट एग्जाम। एग्जाम। तो तो सबका सबका प्रिपरेशन प्रिपरेशन एक एक ही ही जगह जगह पे पे मिलने मिलने वाला वाला है है एंड एंड घर घर बैठे बैठे मिलने मिलने वाले वाले हैं। हैं। तो तो कम कम एंड एंड ज्वाइन ज्वाइन इंडियाज इंडियाज लार्जेस्ट लार्जेस्ट लर्निंग लर्निंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, दैट दैट इज इज अ अ अन अन एकेडमी। एकेडमी। एंड एंड वाइल वाइल टेकिंग टेकिंग अ अ प्लस प्लस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, यूज यूज दिस दिस रेफरल रेफरल कोड, कोड, दैट दैट इज इज अ अ किरण किरण लाइव लाइव फॉर फॉर गेटिंग गेटिंग अ अ 10%10% डिस्काउंट। डिस्काउंट। हा हा रेफरल रेफरल कोड कोड वापरल्यानंतर वापरल्यानंतर तुम्हाला तुम्हाला 10%10% डिस्काउंट डिस्काउंट मिळणार मिळणार आहे। आहे। चलो, चलो, फॉर फॉर द द नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर ईयर बॅच, बॅच, द द बॅचेस बॅचेस हॅज हॅज गेट गेट ऑलरेडी ऑलरेडी स्टार्टेड स्टार्टेड फॉर फॉर द द नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर ईयर एग्जाम, एग्जाम, दॅट दॅट इज इज अ अ 2021 2021 एचएससी एचएससी बोर्ड बोर्ड एग्जाम एग्जाम आणि आणि 2021 2021 एमएसटीसीटी एमएसटीसीटी बायोलॉजी बायोलॉजी प्लस प्लस नीट, नीट, इसके इसके जो जो लेक्चर लेक्चर है है वो वो ऑलरेडी ऑलरेडी चालू चालू हो हो चुके चुके हैं। हैं। आई आई स्टार्टेड स्टार्टेड माय माय हिंदी हिंदी बैच बैच फॉर फॉर एमएसटीसीटी एमएसटीसीटी 2021, 2021, जिसमें जिसमें क्या क्या है है फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथ्स मैथ्स एंड एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी। ती ती बैच बैच अपन अपन कॉलेज कॉलेज चालू चालू के के लिए लिए फ्रॉम फ्रॉम द द 5th 5th ऑफ ऑफ अक्टूबर अक्टूबर 2020। 2020। इफ इफ यू यू वांट वांट टू टू कम कम एंड एंड लिसन लिसन मी मी फॉर फॉर मोर मोर योर योर प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी, मैथ्स, मैथ्स, फिजिक्स फिजिक्स एंड एंड केमिस्ट्री केमिस्ट्री अलोंग अलोंग विद विद द द एंटायर एंटायर टीम टीम ऑफ ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी। यू यू कम कम एंड एंड ज्वाइन ज्वाइन अनअकैडमी। अनअकैडमी। तो तो बैचेस बैचेस हैज हैज गेट गेट ऑलरेडी ऑलरेडी स्टार्टेड। स्टार्टेड। यूज यूज दिस दिस रेफरल रेफरल कोड, कोड, दैट दैट इज इज किरण किरण लायू लायू फॉर फॉर गेटिंग गेटिंग अ अ 10% 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो तो हिंदी हिंदी बैच बैच कालच कालच पासून पासून कालपासून कालपासून चालू चालू झालेली झालेली आहे। आहे। हिंदी हिंदी बॅच बॅच जो जो आहे आहे वो वो कल कल से से चालू चालू हुआ हुआ है है फॉर फॉर द द प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ ऑफ 2021। 2021। तो तो अलोंग अलोंग विथ विथ मी मी दिस दिस इज इज माय माय नेम नेम किरण किरण सुरेश सुरेश कोलते। कोलते। तो तो दिस दिस इज इज माय माय सेल्फ, सेल्फ, आई आई एम एम हियर हियर टीचिंग टीचिंग यू यू बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो तो फॉर फॉर योर योर बायोलॉजी बायोलॉजी अलोंग अलोंग विथ विथ मी मी अदर अदर टीचर्स टीचर्स आर आर ऑल्सो ऑल्सो देयर देयर ऑन ऑन दिस दिस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म। तो तो अलोंग अलोंग विथ विथ मी मी प्रियंक प्रियंक सर, सर, एम एम के के तिवारी तिवारी सर सर एंड एंड अतुल अतुल पेडनेकर पेडनेकर सर। सर। दे दे आर आर गोइंग गोइंग टू टू टीच टीच यू यू फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री एंड एंड मैथ्स। मैथ्स। तो तो यू यू आर आर गेटिंग गेटिंग अ अ नाइस नाइस लेक्चर्स लेक्चर्स फ्रॉम फ्रॉम द द नंबर नंबर वन वन ऑफ ऑफ फैकल्टीज फैकल्टीज और और एजुकेटर एजुकेटर फ्रॉम फ्रॉम ऑल ऑल ओवर ओवर द द इंडिया इंडिया ओनली ओनली ऑन ऑन दिस दिस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, दैट दैट इज इज द द अनअकैडमी। अनअकैडमी। चलो, चलो, तो तो हिंदी हिंदी बैच बैच पीसीबी पीसीबी फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री मैथ्स मैथ्स का का जो जो सॉरी सॉरी फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री और और बायो बायो का का हिंदी हिंदी बैच बैच है है वो वो कल कल से से चालू चालू हुआ हुआ है। है। तो तो दैट दैट बैच बैच यस्टरडे यस्टरडे ओनली ओनली हैज हैज गेट गेट स्टार्टेड। स्टार्टेड। तो तो कम कम एंड एंड ज्वाइन ज्वाइन विद विद मी। मी। चलो, चलो, द द व्हाट व्हाट बेनिफिट बेनिफिट दैट दैट यू यू आर आर गेटिंग गेटिंग ऑन ऑन अन अन
along with this, you can also enroll your name for Delhi T20 free practice test for the preparation of 2021 and 2022. So download the Unacademy Learner app and enroll your name for all these batches. Sagyanni download kara ani enroll kara aapla naav. Chalo, so we'll start with our today's lecture. So aaj ka lecture chalu karte hain. Best of luck for your janchi janchi pariksha rahili MSc CET ji. त्यांच्यासाठी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ अन अकॅडमी. ऑन द बिहाफ ऑफ अन अकॅडमी आय विल से बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स दोज आर गोइंग टू गिव सीईटी एग्जाम इन दिस नेक्स्ट वीक और इन दिस रनिंग वीक. तो 2020 के लिए बेस्ट ऑफ लक. चलो विल स्टार्ट विथ अवर लेक्चर. तो फर्स्ट एमसीक्यू, सेंट्रल डॉग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज. सेंट्रल डॉग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? सेंट्रल डॉग्मा, सेंट्रल डॉग्मा इज द प्रोसेस विच वॉज प्रपोज बाय साइंटिस्ट क्रिक. क्रिक ने ये प्रपोज किया था. तो सेंट्रल डॉग्मा क्या कहता है? सेंट्रल डॉग्मा इट इज अ प्रोसेस आरएनए से डीएनए और डीएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन. आरएनए गिव राइज प्रोटीन एंड प्रोटीन गिव राइज डीएनए. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? जल्दी करो बच्चों. अभिषेक, द लेक्चर्स आर ओनली फॉर 2020 एंड 2021. करेक्ट ऑप्शन है बी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी. सेंट्रल डॉग्मा क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉग्मा द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन द डीएनए, जो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का डीएनए के ऊपर है, दैट सीक्वेंस इज गोइंग टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दोज आर फॉर्मिंग अ प्रोटीन थ्रू दिस एम आर एन ए. तो एम आर एन ए के जरिए ये डीएनए क्या करता है? डीएनए डिसाइड करता है प्रोटीन में कौन से अमाइनो एसिड का कौन सा सीक्वेंस रहेगा. तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर क्या है? बी. समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं. हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस आर द सब्सटेंसेस विच कैन बी. हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस विच कैन बी अल्ट्रा फिल्टर इन द ग्लोमेरुलस, एक्सक्रीटेड बाय द नेफ्रॉन्स, सीक्रेटेड एक्टिवली या कंप्लीटली रिएब्सॉर्ब. तो क्या है आंसर? अभिषेक, सुमित, कविता, दर्शना, तेजस, आनंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. एंड डोंट फॉरगेट टू टेल योर फ्रेंड्स, जे तुमचे मित्र मैत्रिणी आता सध्या 11वी 12वीला आहेत, डोंट फॉरगेट टू टेल देम गो एंड जॉइन अन अकॅडमी एंड टेल देम टू यूज दिस रेफरल कोड व्हाइल टेकिंग अ प्लस सब्सक्रिप्शन. चलो तो करेक्ट आंसर क्या है? एक बार रिफ्रेश करो. तो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज दर्शना. एक बार रिफ्रेश कर, करेक्ट आंसर इज डी. क्या है करेक्ट आंसर? डी. हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस यानी जो सब्सटेंस बॉडी को ज्यादा जरूरी है. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स. तो दीज आर द हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस. ग्लूकोज, विटामिन, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये क्या है? दे आर द हाईली रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी. So these are substances are actively, they are actively reabsorbed back into the bloodstream. So they are completely reabsorbed. The maximum reabsorption takes place in a proximal convoluted tubule. समझ आ रहा है? चलो. Next MCQ, selection is the method of. Selection किसका method है? Selection is the method of. Selection is the method of what? Plant physiology, plant breeding, जेनेटिक्स या साइटोलॉजी. हमने हिंट के लिए बोल देता हूं मैं इधर. हिंट के लिए दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में से ये एमसीक्यू है. करेक्ट आंसर क्या आएगा? अभिषेक गेव द करेक्ट आंसर. सिलेक्शन इज द मेथड ऑफ अ प्लांट ब्रीडिंग. दिस इज द वन स्टेप. इट इज अ स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड वराइटी. नया हाइब्रिड वराइटी जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो उधर क्या करते हैं? वी आर सिलेक्टिंग सुपीरियर पैरेंट दोज आर शोइंग सम गुड कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाइक विगरस ग्रोथ, डिसीज रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट. तो इट इज अ स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड. समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन. चलो तो करेक्ट आंसर क्या है? प्लांट ब्रीडिंग.
फाइंड आउट नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से हमको क्या ढूंढना है, नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म दोज हु आर हैविंग एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते they are making that a free nitrogen into the available form, उनको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन सिम्बायोटिकली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इफ दे आर फिक्सिंग नाइट्रोजन, दे आर कॉल्ड एज नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर. करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर, साउंड डबल येतोय का, थोड़ा मी हळू बोलतो. तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज एजाटोबैक्टर. एनाबिना एजोली, एनाबिना क्या है, ब्लू ग्रीन अल्गी है. एनाबिना इज अ ब्लू ग्रीन अल्गी. तो ये ब्लू ग्रीन अल्गी क्या करता है, इट डेवलप सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द एजोला. एजोला का है फर्न है, म्हणजे इथे फर्न आणि ब्लू ग्रीन अल्गी हे काय झाले, सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड झाले. राइजोबियम, राइजोबियम इज अ वन बॅक्टेरिया, इट इज अ फॉर्मिंग कॉलनी इनसाइड इन द लेग्युम, लेग्युम रूट मध्ये हा काय करतो, कॉलनी डेव्हलप करतो, म्हणजे हा पण काय झाला, सिम्बायोटिक बायो फर्टिलायझर. व्हॅम बॅसिलर आर्बिसिलर मायक्रोराइजा, इथं काय, फंजाय आर फॉर्मिंग कॉलनी इनसाइड इन द रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट. तो हे पण काय झालं, एक्झाम्पल सिम्बायोटिक असोसिएशन झालं. एजाटोबॅक्टर, एजोस्पायरिलम हे एक्झाम्पल कशाचे, दीज आर द नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलायझर. चलो, ट्रायबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सिजनेज इज, ट्रायबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सिजनेज हे काय आहे, दिस इज द एन्झाइम. तो दिस एन्झाइम इज व्हाट, थर्मोलॅबियल, रिक्वायर हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड, रिक्वायर लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड, या बोथ ए बी. तो ट्रायबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सिजनेज बायोमध्ये 100 पैकी 100 नक्की मिळतील कांचन, तुला फक्त अन अकॅडमीचे माझे सगळे लेक्चर बघायला लागतील, स्पेशलचे लेक्चर, युट्यूबचे लेक्चर. आणि जर तू प्लस मध्ये आली असतील तर डेफिनेटली मी तुला गॅरंटेड सांगितलं असतं की तुला 100 आउट ऑफ 100 तर नाही, 90 अबो 90 तर नक्की मिळाले असते. चलो, करेक्ट आन्सर काय, करेक्ट आन्सर इज अ बोथ ए अँड बी, थर्मोलॅबियल आहे, थर्मोलॅबियल अँड इट रिक्वायर हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. जब टेम्परेचर बढ़ता है तब ये राइबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, यानी कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को. तो व्हेन द टेम्परेचर हैज गेट इंक्रीज, इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन ये क्या करता है, इट परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ आर यूबीपी. एंड टू परफॉर्म कार्बोक्सिलेशन दिस रुबिस्को रिक्वायर हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. समझ में आ रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट एक्ट एज ऑक्सीजनेज एंजाइम. समझ में आ रहा है. चलो, तो करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ए बी. नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्पिरेशन इज, एनोरोबिक आणि एरोबिक रेस्पिरेशन मधला कॉमन पाथवे कोणता आहे, एचएसके पाथवे, ईएमपी पाथवे, टीसीए सायकल या ईटीएस पाथवे और सायकल. एचएसके, ईएमपी, टीसीए अँड ईटीएस. प्रीवियस इयर केले तरी चालतील, बुक वाचून मिळतील का, नक्की सगळं बुकच्या बाहेर काही येत नाही कांचन, सगळं काही बुक मधलंच येतं. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ईएमपी पाथवे. ईएमपी पाथवे का फुल फॉर्म क्या है, एमडेन मेयरहॉफ एंड पार्नस. तो एमडेन मेयरहॉफ एंड पार्नस दे फर्स्ट टाइम प्रपोज द रिएक्शंस दोज व्हाट टेक्स प्लेस इनसाइड इन द साइटोप्लाज्म इन व्हिच द ग्लुकोज हैज गेट ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, लाइसिस ऑफ ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस. तो नो वन रिएक्शन इन द ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायर्ड डायरेक्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, म्हणून हा काय कॉमन पाथवे एरोबिक आणि एनोरोबिक रेस्पिरेशन चा, तो आहे ईएमपी, म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये गायनोशियम म्हणजे फिमेल सेक्स ऑर्गन जर पहिल्यांदा मॅच्युअर होत असेल दॅन द मेल सेक्स ऑर्गन टू प्रिव्हेंट द सेल्फ पॉलिनेशन.
दैट फीचर इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटैनरी, एटोगैमी, प्रोटोगाइनी या सेल्फ स्टेरिलिटी? क्या आएगा आंसर? बोलो बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर, क्या करना है? डू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करो, डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर एंड टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट आवर लेक्चर. करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज सी. दर्शना ए नहीं है त्याचं. करेक्ट आंसर इज सी, प्रोटोगाइनी. जब गायनोशियम मेचर हो रहा है, प्रो यानी क्या? बिफोर. प्रो यानी बिफोर. एंड गायनी मीन्स व्हाट? गायनी मीन्स गायनोशियम. अगर प्रोटैनरी कहते थे तो क्या आता था? एंड्रोशियम. अगर जल्दी मैच्योर होता है बिफोर गायनोशियम तो उसको कहते थे प्रोटैनरी. एग्जाम्पल क्या है प्रोटैनरी का? सनफ्लावर. सनफ्लावर इज शोइंग प्रोटैनरी, व्हेयरएज प्रोटोगाइनी इज सीन इन अ प्लांट लाइक माइकेलिया चंपका. सेल्फ स्टेरिलिटी कुठे पाहायला मिळते? ऑर्किड मध्ये पाहायला मिळते. कळलं का? चलो, पॉली एम्ब्रॉयनी इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच प्लांट? खालील पैकी कोणतं प्लांट पॉली एम्ब्रॉयनी? पॉली मीन्स व्हॉट? पॉली का मतलब आहे मेनी. एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोनी म्हणजे व्हेन अ सिंगल सीड कन्सिस्ट मेनी एम्ब्रियो ऑर मोर दॅन टू एम्ब्रियो. व्हेन अ सिंगल सीड कन्सिस्ट मोर दॅन टू एम्ब्रियो, दॅट फीचर इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रॉयनी. तो पॉली एम्ब्रॉयनी इशू. वेलकम अँड गुड मॉर्निंग. पॉली एम्ब्रॉयनी इज सीन इन विच प्लांट? करेक्ट आन्सर गिव्ह बाय आनंद अँड अभिषेक. कांचन वस्तू घेत. करेक्ट आन्सर, करेक्ट आन्सर इज सिट्रस. सिट्रस इज शोईंग पॉली एम्ब्रॉयनी. रिप्रोडक्शन इन प्लांट मध्ये शेवटच्या टॉपिक मध्ये याचं उत्तर तुम्हाला मिळेल. बनाना काय आहे? बनाना इज अ सीडलेस फ्रूट. हे काय? सीडलेस फ्रूट का एक्झाम्पल आहे. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाना. ग्रास कशाचं एक्झाम्पल आहे? ग्रास इज द एक्झाम्पल ऑफ अपोमिक्टिक सीड. अपोमिक्टिक सीड चे एक्झाम्पल आहे ग्रास. अँड अलॉंग विथ ग्रास सम मेंबर ऑफ फॅमिली ॲस्टरेसी. सम मेंबर ऑफ फॅमिली ॲस्टरेसी. दे आर शोईंग द अपोमिक्टिक सीड. देखो, आय एम कवरिंग 2-3 कॉन्सेप्ट विद इन वन एमसीक्यू. चलो आगे चलते. मॅच द कॉलम. इन कॉलम ए डिफरंट प्रिमिटिव मॅन स्पेसिस हॅज गिवन अँड इन कॉलम बी देअर क्रेनियल कॅपॅसिटी हॅज गेट गिवन. तो करेक्ट आंसर क्या है? होमो हैबिलस. उसके बाद है होमो इरेक्टस. तीसरा है क्रोमैग्नॉन एंड चौथा क्या है? पेकिंग मैन. तो होमो हैबिलस उसका क्रेनियल कैपेसिटी, होमो इरेक्टस का क्रेनियल कैपेसिटी, क्रोमैग्नॉन का एंड पेकिंग मैन. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी. हैंडीमैन कौन है? होमो हैबिलस. सबसे एडवांस कौन है? अपना होमो सेपियन सेपियंस. और होमो सेपियन फॉसिलिस कौन है? दिस इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ आवर स्पीसीज, दैट इज अ क्रोमैग्नॉन मैन. तो करेक्ट आंसर क्या आया? ए. तो होमो हैबिलिस ए, उसका क्रेनियल कैपेसिटी है 650-800 क्यूबिक सेंटीमीटर. होमो इरेक्टस 940 क्यूबिक सेंटीमीटर. क्रोमैग्नॉन 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर. एंड पेकिंग मैन. पेकिंग मैन का है 850-1200 क्यूबिक सेंटीमीटर. चलो, द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड. ओरिजिन अँड इव्होल्युशनच्या चॅप्टर मध्ये इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये याचं लेक्चर मिळेल, तुम्हाला उत्तर मिळेल. इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोजेनेसिस, अबायोजेनेसिस, प्रोटोबायोजेनेसिस या ऑटोबायोजेनेसिस. क्या है आंसर? राहुल हाउ आर यू? कैसा वेस? मांडवी, कविता, पल्लवी, अभिषेक, दिया, तेजस, दर्शना, कांचन, शिवकांत. चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज सी. दर्शना गिव द करेक्ट आंसर. दर्शना प्रोटो बायोजेनेसिस. प्रो यानी प्रिमिटिव, बायोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स व्हाट? फॉर्मेशन. फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म. प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव. प्रिमिटिव बायो यानी लाइफ फॉर्म. एंड जेनेसिस मीन्स व्हाट? जेनेसिस यानी फॉर्मेशन. फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ.
फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ दैट इज ऑन प्रिमिटिव अर्थ दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोबायोजेनेसिस. द ओवम प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल फीमेल कंटेन ओवम प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल फीमेल. नॉर्मल फीमेल ने जे ओवम प्रोड्यूस केले त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? ओवम यानी क्या? एग है अपना. एग के अंदर नॉर्मल फीमेल का जो एग रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा? 44 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, 22 ए प्लस एक्स क्रोमोसोम, 23 ए प्लस एक्स क्रोमोसोम. करेक्ट आंसर क्या आया? करेक्ट समाधान कांचन गिव द करेक्ट आंसर. कांचन समाधान दर्शना एंड कविता 22 ए डिप्लॉयड सेल. तो ओवा क्या है? ओवम क्या है? गैमेट है. तो गैमेट्स आर हैविंग अ हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉयड क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल में क्या होगा? 44 ए ए प्लस एक्स एक्स. समझे क्या? तो व्हेन इट अंडरगो मियोसिस तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ टू गैमेट 22 ए प्लस एक्स एंड 22 ए प्लस एक्स. फीमेल्स क्या रहते हैं? होमोगैमेटिक और होमोमॉर्फिक रहते हैं. तो ये किससे मैच हो रहा है? इससे मैच हो रहा है. समझ में आ रहा है? तो मेल क्या करेगा? मेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ टू टाइप ऑफ गैमेट 22 ए प्लस एक्स एंड 22 ए प्लस वाई. ये किसके गैमेट रहेंगे? मेल के गैमेट रहेंगे. समझे? चलो फाइंड द रॉन्ग मैच. रॉन्ग मैच ढूंढना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग मैच. रॉन्ग पेयर ढूंढना है. टीपीए रिवर्स द ब्लड क्लॉट, डीएनएस cystic fibrosis, humulin, diabetes insipidus, TGF beta, wound healing. Rahul, what happened? चलो जल्दी करो. Still we are on the 12th MCQ. तो correct answer क्या है? करेक्ट आंसर इज करेक्ट यानी रॉन्ग पेयर कौन सा है? टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज यूज्ड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट. ये करेक्ट है. डीएनएस डीएनएस इज यूज्ड डीएनएस इज यूज्ड टू ट्रीट सिस्टिक फाइब्रोसिस. इट इज वन लंग डिजीज. ह्यूमिलिन ह्यूमिलिन का मतलब क्या है? द अल्टरनेट नेम ऑफ ह्यूमिलिन इज इंसुलिन. इंसुलिन इज यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज mellitus not insipidus. तो ये wrong pair है. ये क्या है? wrong pair है. and tissue growth factor beta is used to treat the wound healing. समझ में आ रहा है? ये भी क्या है? correct है. तो correct answer क्या है? ये. चलो the each genome comprises how many chromosomes? how many chromosomes are present in a each genome? each genome यानी how many chromosomes are present in a each haploid cell जो east का रहता है उसमें कितने chromosomes रहते हैं? आनंद डायबिटीज मेलिटस रॉन्ग बोलता है सर. चलो बोलो करेक्ट आंसर क्या आएगा? एंड डोंट फॉरगेट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू डोंट फॉरगेट टू टेल योर फ्रेंड्स. डोंट फॉरगेट टू टेल योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स अबाउट आवर कोर्स which has get already started from the yesterday. correct answer kya hai? correct answer is c. to how many haploid chromosome number haploid cell mein kitne chromosome hote hain? iske 16 chromosome hote hain. and the genome of yeast consists near about 12500 kilo base pair dna. to how much is the size of a genome of yeast? the genome size of yeast is 12500 kilo base pair. चलो बीटा लिम्फोसाइट मैच्योर इन बीटा लिम्फोसाइट. देयर आर टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट एंड बीटा लिम्फोसाइट. तो हमको क्या कहा है? बी लिम्फोसाइट मैच्योर इन. तो हमको क्या पूछा है? बी लिम्फोसाइट मैच्योर इन लिवर थायमस स्प्लीन या नन ऑफ दिस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दर्शना राहुल माधवी तेजस वैभवी. What should be the correct answer? The correct answer is नहीं spleen नहीं है. Correct answer is none of these. Correct answer क्या है? None of these. Thymus मध्ये जा mature होता त्यांना म्हणतात T lymphocyte. त्यांना काय म्हणतात? T lymphocyte. ज्या lymphocyte bone marrow मध्ये mature होता those who will get mature in a bone marrow उसको कहते हैं हम B lymphocyte.
ऑप्शन दिला का नहीं दिला म्हणून करेक्ट आंसर काय आला नन ऑफ दीज समजलं का चलो वी स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वायवैक्स इन्फेक्ट द लिवर सेल जेव्हा एनोफिलस फीमेल मॉस्किटो आपल्या बॉडीला इंजेक्ट करतो तर त्यावेळेस तो कोणत्या स्टेज आपल्या बॉडीत इंजेक्ट करतो स्पोरोझॉइट ट्रोपोझॉइट सायझंट या मिरोझॉइट वी स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वायवैक्स इन्फेक्ट द लिवर सेल और हिपेटोसाइट करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट स्पोरोजॉइट तो स्पोरोजॉइट इन्फेक्ट द लिवर सेल स्पोरोजॉइट क्या कहते हैं स्पोरोजॉइट इन्फेक्ट द लिवर सेल्स स्पोरोजॉइट अंडरगो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे गिव राइज अ लार्ज नंबर ऑफ मिरोजॉइट्स चलो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो हाइपोथैलेमस इधर रहता है इट इज प्रेजेंट बिलो हायपोथॅलॅमस तो हायपोथॅलॅमसच्या खाली पिट्युटरी ग्लँड आहे इट इज कनेक्टेड टू द हायपोथॅलॅमस बाय मीन्स ऑफ एन इनफंडिबुलम तो हा काय स्टॉक ऑफ पिट्युटरी ग्लँड दॅट इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम वरती काय हायपोथॅलॅमस आहे अँड दिस इज अवर पिट्युटरी ग्लँड विच कन्सिस्ट टू लोब अँटेरियर अँड पोस्टेरियर anterior lobe consists 75% it forms 75% part of pituitary gland and posterior lobe is forming 25% तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट करेक्ट मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड करेक्ट आंसर क्या है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड सेला तुलसिका का है सेला तुलसिका इज द कैविटी व्हिच प्रोटेक्ट दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज अ कैविटी प्रेजेंट ऑन अ स्पिनॉइड बोन स्पिनॉइड बोन वर असलेली कैविटी स्पिनॉइड बोन वर असलेली कैविटी जिच्यामध्ये काय आपली पिट्यूटरी ग्लैंड आहे दैट इज कॉल्ड एज सेला तुलसिका समझ आ रहा है चलो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आर प्रेझेंट इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल कुठं असतात थॅलॅमस मध्ये एपिथॅलॅमस मध्ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स या हायपोथॅलॅमस न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स सिक्रीट न्यूरो हार्मोन्स कोणते हार्मोन सिक्रीट करते न्यूरो हार्मोन्स तो न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करने वाले न्यूरोसिक्रेटरी सेल का लोकेशन क्या है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स सुरेश वेलकम गुड मॉर्निंग कांचन कॉन्ग्रेचुलेशन नाइस टू सी यू चलो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर इज गिवन बाय आनंद तो करेक्ट आंसर है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस रीजन समझ में आ रहा है तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस एंड देयर एक्सॉन्स आर पास्ड थ्रू द इन्फंटिबुलम and the hearing bodies the terminal solen ends of this axon so ya ahe neurosecretory cell ya hypothalamus madhe ani ya tyancha axon kudun pass hote axon is passes through the infundibulum and pars nervosa which is the storehouse of neurohormones pars nervosa kay karto neurohormones store karto the neurohormones for example adh oxytocin and coherin समझ आ रहा है चलो आगे चलते हैं इन अ परफ्यूमरी द लाइकेन स्पेसीज यूज आर परफ्यूम प्रोडक्शन मध्ये कोणत्या लाइकेनची स्पेसीज वापरली जाते इन अ परफ्यूमरी विच स्पेसीज ऑफ लाइकेन इज यूज क्लॅडोनिया मुसनिया पामेलिया एवरनिया आवाज येत नाहीये आता येतोय आवाज Only one minute. अभी आ रहा है क्या आवाज करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर इज माधवी गेव द करेक्ट आंसर माधवी गेव द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज एवरनिया उसनिया इज अ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ उसनिक एसिड समझ आ रहा है पामेलिया इज यूज इन अ डिफरेंट रेसिपी एंड क्लैडोनिया इट इज यूज एज अ फॉडर ऑल्सो करेक्ट आंसर इज डी Following are the conjugated protein except नीचे में से क्या है सभी conjugated protein है एक छोड़ के तो वो कौन सा है जो conjugated protein नहीं है conjugated protein यानी क्या these are the proteins those who are associated with non proteinaceous compound that is called as what prostatic group sound बरोबर येत नाहीये एकच मिनिट I'll check
आवाज है व्यवस्थित आता हाँ ये देखो अभी आवाज कैसे आ रहा है ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तो नीचे में से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन सा नहीं है, ग्लाइको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन एंड पिगमेंट प्लस प्रोटीन क्रोमेटो प्रोटीन, तो दीज थ्री आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। हिस्टोन इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, हिस्टोन का एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं आए। प्रैक्टिकल परफॉर्म केलं होतं, व्हेन वी प्लेस एनी सेल इन अ हायपरटोनिक सोल्यूशन, if we place a cell in a hypertonic solution, so after a few minute we can see the shrinkage of protoplast phenomena is called what? Correct answer is plasmolysis. Lysis means breakdown of protoplasm due to the loss of water, due to exoosmosis, the loss of water which has get takes place and therefore the shrinkage of protoplasm has get takes place, that is called as plasmolysis. Chalo. Transpiration pool theory of ascent of sap was proposed by E. Munch, Dixon, Jolly or both BC. Kisne propose kiya tha? Aata awaz kaise aate hai mitranno? How is the voice? चलो किसने प्रपोज किया था ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी? आठवत आहे काही? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज गिवन बाय अभिषेक एंड वैभवी, अभिषेक वैभवी शालिनी आल्सो गेट द करेक्ट आंसर। डिक्सन एंड जॉली बोथ टुगेदर दे प्रपोज अ ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। चलो पॉलीसाइथेमिया इज, पॉलीसाइथेमिया क्या है? पॉलीसाइथेमिया लो लेवल ऑफ आरबीसी, हाई लेवल ऑफ आरबीसी, लो लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी या हाई लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी, पॉलीसाइथेमिया। नहीं, लो लेवल, करेक्ट आंसर इज हाई लेवल ऑफ आरबीसी। व्हेन द रेड ब्लड सेल्स देयर नंबर हैज गेट इंक्रीज अबव द नॉर्मल रेंज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। समझ में आ रहा है? सेल एनवलप इन अ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट, सेल एनवलप इन प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल मींस बैक्टीरियल सेल, it consists of cell envelope, so that the cell envelope consists what? Agar ye diagram hai prokaryotic cell ka, bolo to cell envelope consists what? Correct, all of these autonomous prokaryotic covering which is made up of polysaccharide, that is called as glycocalyx, the middle layer which is called as cell wall, it is made up of peptidoglycan or pseudopeptidoglycan, and innermost layer which is made up of phospholipids by lipids and proteins, that is called as plasma membrane. So all the layers are together forming the cell envelope. In prokaryotic cell means what? In a bacteria. Samajh mein aa raha hai? Ye humne 11th mein padha tha in the chapter cell organization. Which of the following cell organelles are called as suicide bags? सुसाइड बैग्स कौन सा सेल ऑर्गेनेल मानता तो प्लास्टिड, पेरोक्सोम, लाइसोसोम या सेंट्रियोल? बोला इफ यू डेफिनेटली लाइक माय लेक्चर माय वे ऑफ टीचिंग डेफिनेटली सजेस्ट अबाउट अन एकेडमी एंड अबाउट माय लेक्चर्स
in your friend circle. Tell them to join an academy for their future exam. Correct answer kya hai? Lysosome. Lysosomes are called as suicide bags. Why? Because they are provided with the hydrolytic enzymes. They are provided with hydrolytic enzymes. These hydrolytic enzymes, they are having ability or power by which they can digest all biological components those are present inside the cell. So lysosomes are called as suicide bags. Samjhe kya? Plastid kya hai? Plastid do tarah ke rehte, teen tarah ke, leucoplast, chloroplast and chromoplast. Samajh mein aa raha hai? So they help in a storage of food material, they help in a photosynthesis and they help in a coloration also. Peroxisomes, they perform a direct oxidation of any type of substrate. Centrioles, they are only present in animal cell where they help in a formation of spindle apparatus. Intercalated disc is the characteristic feature of which muscle fiber or which muscle? Intercalated disc is present in which type of muscle? Smooth muscle, stream muscle, skeletal muscle, cardiac muscle. Koncha muscle fiber madhye aplyala intercalated disc pahayla milto? अभी चलो इंटरकैलेटेड डिस्क करेक्ट आंसर क्या आएगा. Correct answer is cardiac muscle fiber. Cardiac muscle fiber. चलो आगे चलते हैं. Each lung is covered by. Each lung is covered by. Each lung. Lung are the main respiratory organ. So there are two lungs are present. Right lung and left lung. So left lung is a somewhat small in size as compared to right lung. It is divided into only two lobes, whereas the right lung is divided into three lobes. So these lungs are covered by means of an. अभी कैसे आवाज आ रहा है? तो correct answer क्या आएगा? Correct answer is no one gave the correct answer. तो correct answer is pleural sac. So there are two layers of a membrane. Two membranes are present. They together called as what? Pleural sac. The inner layer is called as visceral layer and outer layer is called as parietal layer. And the space is filled with the fluid which prevent the friction. समझ आ रहा है? So this is a pleural sac. It is a protective covering present around the lung. Mature human ovum is. Mature human ovum. कैसा रहता है human ovum? Ovum यानी क्या? Egg. So mature human ovum is haploid. नॉन मोटाइल राउंड शेप या ऑल ऑफ दिस. इफ दिस इज द डायग्राम ऑफ ओवम तो क्या आएगा आंसर? करेक्ट आंसर इज अ डी. करेक्ट आंसर क्या है? डी है. मैच्योर ओवम हैप्लॉयड है. So it is a haploid because it consists only one set of chromosome. Non-motile flagella का इधर नहीं है. Shape कैसा है? Round है. तो round shape. तो therefore the correct answer is all of these. Species whose numbers are few and live in a small geographical area are called as dash species. ज्या species का number already का है कमी है. आणि त्या एका restricted place मध्ये राहता है. अशा species ला काय म्हणतात? Endangered species, vulnerable species, rare species या indeterminate species. करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज बोलो. करेक्ट आंसर इज अ रेयर स्पेसीज. करेक्ट आंसर क्या है? दे आर कॉल्ड एज रेयर स्पेसीज. समझ में आ रहा है? चलो. डेवलपमेंट ऑफ बोटानिकल गार्डन इज अ टाइप ऑफ डैश डैश कंजर्वेशन. तो बोटानिकल गार्डन में जब हम क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं. We are protecting any organism in a by using a botanical garden. So
तो दैट टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज कॉल्ड एज एक्सिट्यू कंजर्वेशन, इनसिट्यू कंजर्वेशन, रिजर्व कंजर्वेशन या ऑफसाइट कंजर्वेशन. तो दिस इज द एमसीक्यू फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट पार्ट टू. नहीं, हाँ करेक्ट, आनंद गेव द करेक्ट आंसर, राहुल गेव द करेक्ट आंसर. इट इज कॉल्ड एज एक्सिट्यू कंजर्वेशन. एक्सिट्यू कधी म्हणतो आपण त्यांना, वेन वी आर प्रोटेक्टिंग एनी ऑर्गेनिझम अवे फ्रॉम देअर नॅचरल हॅबिटॅट, अवे फ्रॉम देअर नॅचरल हॅबिटॅट. तो उसको कहते हैं एक्सिट्यू कंजर्वेशन. वेन वी आर प्रोटेक्टिंग एनी ऑर्गेनिझम इन देअर ओन नॅचरल हॅबिटॅट, इन देअर ओन नॅचरल हॅबिटॅट, तर त्या कन्झर्वेशनला म्हणतात इन्स्टिट्यूट कन्झर्वेशन. त्याच्या घरातच त्याला आपण प्रोटेक्शन देतोय, कन्झर्व करतोय, आणि त्याच्या घरापासून दूर आपण त्याला काय करतोय, कन्झर्वेशन देतोय, तेव्हा त्याला म्हणतात एक्स्टिट्यूट. चलो, रिमूवल ऑफ 1 ग्रॅम ऑफ अमोनिया रिक्वायर हाऊ मच ml वॉटर. 1 ग्रॅम अमोनिया शरीरातून बाहेर काढण्यासाठी किती पाणी लागतं, 10 ml, 50 ml, 300 to 500 ml या 100 ml. नहीं, सिर्फ 30 ही क्वेश्चन है आज के लेक्चर में. तो रिमूवल ऑफ 1 ग्राम वैभवी करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक, आज 30 क्वेश्चन आहेत. फक्त एक करा तुम्ही, इफ यू लाइक माय टुडेज लेक्चर एंड माय प्रीवियस लेक्चर, सजेस्ट अबाउट अन अकेडमी इन युअर फ्रेंड सर्कल. चलो, करेक्ट आंसर क्या है, सी, 300 to 500 ml वॉटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अमोनिया. समझ में आ रहा है? तो देयरफोर मोस्टली द एमनोटेलिक एनिमल्स क्या रहते हैं, दे आर एक्वेटिक. एमनोटेलिक एनिमल क्या रहते हैं, एक्वेटिक रहते हैं. 10 ml वाटर इज रिक्वायर फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड. तो देयरफोर यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करते हैं वो क्या रहते हैं, डेजर्ट एनिमल रहते हैं, नहीं तो इंसेक्ट रहते हैं, नहीं तो बर्ड्स रहते हैं. एंड मोस्टली द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे आर गेटिंग अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर. 50 ml वाटर इज रिक्वायर फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया. समझ आ रहा है? तो यूरिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल कौन से है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, टेरेस्ट्रियल. और ये कौन से रहते हैं यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले, डेजर्ट एनिमल रहते हैं, डेजर्ट नहीं तो ये क्या रहते हैं, एरियल रहते हैं. समझ आ रहा है? चलो, तो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर. डोंट फॉरगेट टू टेल इन योर फ्रेंड्स दैट ऑलरेडी वी स्टार्टेड आवर लेक्चर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2021 बोर्ड एग्जाम एंड सीईटी एग्जाम फ्रॉम द यस्टरडे. कालपासून आपण लेक्चर चालू केले 5th of October. तो इफ यू वॉन्ट टू कम अँड जॉईन विथ मी ऑन प्लस सेशन, तो डिटेल मे विद इन अ 5 to 6 months वी आर गोइंग टू कवर युअर एंटायर सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर MST CET. चलो, तो दिस इज अबाउट द प्लस सबस्क्रिप्शन. देर आर टू प्लॅन्स आर अवेलेबल, 12-month प्लॅन अँड 6-month प्लॅन. If you use my referral code, you will get a 10% discount. This is a Hindi batch where you are getting a description in Hindi, English and in Marathi also. So preparation for MST CET 2021. So that batch has already started from the yesterday. Thank you very much. Don't forget to share and subscribe our today's video lecture. And tell your friends also about An Academy. Tell them to join An Academy. Chalo, thank you very much. Have a nice day. Bye-bye.